सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल विद न्यू ब्लॉग गाइज। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और हाँ, आई होप आप मेरे पिछले सारे ब्लॉग्स इन्जॉय कर रहे होंगे। तो यूँ ही प्यार देते रहो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हाँ, अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो देखो प्यारी सी धूप लगी हुई, कितनी प्यारी प्यारी धूप आ रही है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अभी मार्केट। आपको याद होगा कि मैंने अपने ईयरबड्स बनाने दे रखे थे, तो वो अब बन के तैयार हो चुके हैं, और ऐसा कोई पोडवार में रिपेयर करता नहीं है, खासकर ईयरबड्स। तो अभी चलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और फटाफट निकलते हैं मार्केट की तरफ। अब वहाँ से लेंगे भैया नावेद भाई के पास दिए थे मैंने, जो मस्जिद के पीछे उनकी शॉप है। तो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पर। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ मैं और चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं आ रखा हूँ यहाँ पर। आप चेक कर सकते हो कि ये गैरेज वाली पीछे रोड है, ये SBS के साइड से आ रही है, और ये वाली जो रोड है सामने, ये है इस साइड से जो शिवा स्वीट वाली रोड है, और ये सामने स्पोर्ट्स वाली दुकान भी है, और ये कुछ शॉप है। ये है नावेद भाई की शॉप। तो चलते हैं सीधा नावेद भाई के पास, जिनके पास हमने ईयरबड्स दे रखे थे अपने। तो हेलो नावेद भाई, क्या तो कैसे हो आप? बढ़िया। तो हमारे ईयरबड्स बन चुके हैं KDM के। तो सो गाइस, आप ये चेक कर सकते हो कि हमारे KDMs के बन चुके हैं ये ईयरबड्स। तो थैंक यू नावेद भाई। पूरे कोटद्वार में शायद कोई रिपेयर नहीं करता इस टाइम, चेक कर सकते हो दोनों। तो ये वाला खराब था इसमें। अच्छा, ये वाला खराब था, तो ये दोनों चालू हो रखे हैं। तो सो गाइस, ये दोनों नावेद भाई ने बना दिए हैं, और फिलहाल तो मैं इन्हें नावेद भाई की से लेके जा रहा हूँ अभी अपने घर। तो घर जाने से पहले आप ये वीडियो चेक करो कि नावेद भाई ने किस तरीके का काम किया है। तो उससे पहले कुछ नावेद भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? जी दोस्तों, देखिए वीडियो, और आपको भी अगर नीड पड़े किसी ऐसे इलेक्ट्रिक की सामान की, आपको रिपेयर कराना, तो आप भेज सकते हो। ठीक है। और जैसे हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, IC लेवल का काम करते हैं, अगर आपको जैसे कोई मोबाइल हो और कहीं पे नहीं होता हो, तो आप उसे यहाँ पर लाकर दिखा सकते हो। सो गाइस, तो आपने सुन लिया कि नावेद भाई ने क्या क्या है, और रीजनेबल प्राइस में। ठीक है नावेद भाई, रीजनेबल प्राइस में आप, मतलब जो ये मेरे KDM है, आप यकीन नहीं मानोगे, तो नावेद भाई ने, मैं इसका प्राइस लास्ट में बताऊंगा आपको कि नावेद भाई ने किस प्राइस में ये मेरा KDM ठीक करे हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आपको घर, और आप वीडियो एंजॉय करो कि नावेद भाई ने किस तरीके से मेरे KDM में काम किया है। ठीक है। हेलो दोस्तों, नवीद मोबाइल टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये KDM के ईयरबड्स आए हैं रिपेयरिंग के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें ये एक चल रहा है और ये एक नहीं चल रहा है। ये आप देख सकते हो, इसमें लाइट आ रही है, बट ये इसमें लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको इसकी प्रॉपर चेकिंग बताऊंगा, ये चेक कैसे करने हैं। सबसे पहले हम इसका पावर बैंक चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो आप, मैं इसका सबसे पहले यहाँ पर पावर बैंक जहाँ जोन सी चल रही है उसकी रीडिंग लेके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 3.6 वोल्ट के, लगभग 3.8 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। तो और अब हम दूसरी साइड में देखते हैं, जिस साइड की चल नहीं रही है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इस साइड की। ये दोस्तों देख सकते हो आप, इस साइड में भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो है हमारी ईयरबड्स के अंदर से है। ये तो हमारी चल रही है, ये हमारी नहीं चल रही है। तो हम इसे खोलते हैं। तो दोस्तों जो ये खराब है, मैंने इसे इसमें लगा दी है, और मैं इसके बैटरी के वोल्टेज चेक करता हूँ यहाँ पर, ये चार्जिंग के लिए वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, और ये देखिए दोस्तों मल्टीमीटर पर आप देख सकते हो, यानी कि इसकी चार्जिंग भी ओके है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम जो है बैटरी से है। अब मैं इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ,
बैटरी चेंज करके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। मेरे पास दोस्तों ये दूसरी बैटरी है, ये आप देख सकते हो दूसरी बैटरी है, इसे मैं लगा के चेक करता हूँ। नवीन भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो दोस्तों मैंने बैटरी लगा दी है, अभी मैं इसकी पैकिंग करके चार्जिंग पे लगाता हूँ क्योंकि बैटरी ये थोड़ी डाउन है। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों में लाइट आ गई है और ये यहाँ पर दोनों में लाइट आ गई है। थोड़ी देर इसे चार्जिंग पे लगाकर देख लेता हूँ मैं और फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पहले चार्जिंग भी नहीं ले रहा था बट अब चार्जिंग लेने लगा, इसकी बैटरी चेंज की है और बैटरी चेंज करने के बाद अभी मैं इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों काफी टाइम इसे लगा दिया है, 5 मिनट हो गई है इसे चार्जिंग पे लगाए हुए, अभी हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों दोनों ऑन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय। सो गाइस आई होप आपने नाविद भाई की ये वीडियो एंजॉय की होगी, जिस तरीके से उन्होंने हमारे केडीएम में काम किया है और काफ़ी डिटेल में बताया आप लोगों को कि क्या चीज़ होती है, क्या सर्किट, और शायद से मेरा केडीएम का लेफ्ट वाला और राइट वाला राइट वाला केडीएम ख़राब हो रखा था। और अभी चेक कर सकते हो कि मेरे साथ को भी आ चुकी है स्कूल से, तो को हाई बोल दो सबको। हाय, पता है मेरे स्कूल पे तो एक कॉम्पिटिटर था दांत वाला, तो उसको मैं दांत कर रही थी, दांत करके तो थक गई मैं, मैंने तो पूरा ही फटके दांत खुला दिया। सो गाइस उसके पहले मुझे घर में ही लग ली। तो सो गाइस कम टू द पॉइंट, जो मैं आपको बोल रहा था कि नाविद भाई ने किस तरीके से मतलब इसमें काम किया है, और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से नाविद भाई ने उस पर काम किया है कि कोर्ट द्वार में, पूरे कोर्ट द्वार में इस तरीके से ईयरबड्स में ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ईयरबड्स, हमारी स्मार्ट वॉचेज और फ़ोन, तो फ़ोन का मेन काम तो उनका फ़ोन का है पर ये काम भी वो करते हैं। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कि जिस हिसाब से नाविद भाई ने काम किया मेरा, तो उन्होंने बोला भी कि ये पूरे कोटद्वार में कोई नहीं करता है, मेरे सिवाय कोई नहीं करता है। और हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया था कि शायद से कोई करता भी होगा कि नहीं करता होगा पूरे कोटद्वार में, बट नाविद भाई ने जिस तरीके से काम किया केडीएम में काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था। और अब केडीएम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उनका बेस भी काफ़ी क्लियर हो चुका है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से मतलब नाविद भाई ने पूरे कोटद्वार में मतलब सिंगल, तो आप लोग भी ट्राई करना, जैसे आपकी स्मार्ट वॉचेस कभी ख़राब हो जाती है, ईयरबड्स तो हैं ही, तो आप जा सकते हो नाविद भाई के पास और रीजनेबल रेट में, आपको मैं रेट बताऊंगा तो आप भी बोलोगे कि यार ये ज़बरदस्त हो गया। तो नाविद भाई ने मात्र 100 रुपये में मेरे ईयरबड्स ठीक कर लिए हैं, तो ये काफ़ी यूनिक था, मेरे लिए नया भी था, मस्त कॉन्टेंट भी था और यूनिक आपके लिए लाया था मैं। तो आई होप आपने आज का ये मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय।